नगर परिषद ने कुल्लू मैदान में दशहरा उत्सव में लगाई अस्थायी मार्केटों को जल्द खाली करने के निर्देश दिए हैं। दशहरा उत्सव समिति के द्वारा बाहरी राज्यों के सभी व्यापारियों को 15 नवंबर तक का समय दिया गया था। समय पूरा होने के बाद नगर परिषद के द्वारा व्यापारियों को जल्द मैदान खाली करने के लिए अपील की है। नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने कहा कि दशहरा उत्सव के लिए व्यापारियों को दशहरा उत्सव समिति की तरफ से दिवाली के बाद 2 दिन की अतिरिक्त छूट दी थी। उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव की सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अपना सामान समेट कर मैदान को खाली करें ताकि मैदान की साफ सफाई की जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर व्यापारी 16 नवंबर तक मैदान को खाली नहीं करेंगे तो नगर परिषद को मजबूरन सामान जब्त करना पड़ेगा। अब इनका उठने का टाइम है। हमने 2 दिन पहले जो है इनको जो है वो ये दिवाली के दूसरे दिन इनको ये अपने अनाउंसमेंट कर दी थी कि आप अपना सामान बाइंड अप करो और इमीडिएट जो ग्राउंड खाली करो ताकि हम सफाई साफ करें। तो अब ये अगर जिस हिसाब से जो अब ये बैठे हुए अब कल तक तो मेरे को लगता है बड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। और अगर मैं सभी व्यापारियों को अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो कि अपना सामान जो है कल अपना सामान कल जो 16 तारीख तक अपना बाइंड अप कर दे, जो 15 तक आपको अगर किसी ने बोला हुआ है, आज 15 होगी, 16 तक जो है मैं बिल्कुल व्यापारियों को सभी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अपना सामान जो बाइंड अप करें, अदरवाइज आपका सामान जो हम जबरदस्ती करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे और आपका सामान जो है जब्त किया जाएगा। इसके जिम्मेवार आप नुकसान के खुद होंगे। तो हमारे प्रशासन की भी तरफ से बात हुई है, प्रशासन भी ये कहा कि पूरी सहयोग होगा। कल प्रशासन का ही मेन जो है ये काम है, प्रशासन की तरफ जिस हिसाब से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि कल जो फोर्स वगैरह जो है दी जाएगी और सारा जो इसमें जो है बड़े जो बहुत जल्दी जो उसको कल से खाली किया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि कल से परे हमें जो कोई दुकानें हमें नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शहर के व्यापारियों का भी रोष है कि भाई इन्हें उठाते नहीं टाइम पर, जबकि 12 तक तक टाइम था, डेट हो गई है। इसलिए मैं सभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है सभी व्यापारी भाई रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना स्पाइन वाइंड अप करें और कल बिल्कुल ग्राउंड अप हमारा जो खाली चाहिए ताकि हम, क्योंकि हमारे पास भी जो सफाई कर्मचारी रुके हुए हैं उनका जो हमारा काफ़ी खर्चा पड़ रहा है, तो इस ढंग से जो है रोज पर उनका बहुत ज़्यादा खर्चा है। अभी जब हमारे पास लगभग 100 के लगभग जो हमारे सफाई कर्मचारी रुके हुए हैं तो हम चाहेंगे कि इमीडिएट इसको खाली करके सफाई व्यवस्था और जो ग्राउंड है उनको वाटर क्योरिंग करके जो है बिल्कुल बंद किया जाए। ये CPS साहब का भी आदेश है कि इन्हें बहुत जल्दी जो है बिल्कुल खाली करके, जो हमारे चेयरमैन हैं चेयरमैन साहब का आदेश है कि बड़ी जल्दी सारा बिल्कुल इमीडिएट खाली करो और ग्राउंड की व्यवस्था जो है बिल्कुल पहले की तरह होनी चाहिए। इसी के साथ मैं सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने शहरवासियों की बड़ी अच्छी तरह से हमारा जो हमारा ही शहर का जो भी मेला था ये बड़ी अच्छी तरह से मनाया गया, सुख शांतिपूर्वक हुआ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।